हेलो स्टूडेंट डियर, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस करवाया आपके न्यू सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से। उस सब्जेक्ट पर फर्दर स्टडी करने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले, उसमें यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स टर्म्स को हमें समझना ज़रूरी है। आज हम उन्हीं में से कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मेजर चैप्टर का नेम आपका आ जाता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म है एसेट्स। एसेट्स अगर इसको मैं थोड़ा सा अदर वे से आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्रॉपर्टी, जैसे आप जर्नल एनवायरनमेंट में सीखते हैं प्रॉपर्टी लाइक एज, वही चीज। दैट मीन एसेट्स दोज वैल्यूएबल थिंग्स विच वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, जिस पर बिजनेस का क्या है ओनरशिप और कंट्रोल है, विच वर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, और जो एक बिजनेस को स्मूथ रूप से चलाने में हेल्प करती है, इज कॉल्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। थोड़ा अदर वे से भी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझाने की कोशिश की है कि एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ऐसे संसाधन हैं जो मनी टर्म्स में हैं, ऑफ एन इंटरप्राइजेज यूजफुल इट्स ऑपरेशन, जो उसको ऑपरेट करने में, चलाने में हेल्प करते हैं। छोटा सा एग्जांपल चलते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके माइंड के अंदर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की इच्छा हुई, तो बच्चा सबसे पहले आप जब बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले किस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने सोचा कि मुझे क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, आपके पास क्या रिसोर्सेज मेजर रूप में होना जरूरी है, वो क्या है, कैश। लाइक एज कैश, अगर आपके पास कैश नहीं तो आप बाकी रिसोर्सेज परचेज नहीं कर पाओगे। अगर बिजनेस ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा ना। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लैंड पर ही बिजनेस नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको उसके ऊपर बिल्डिंग भी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब बिल्डिंग सिर्फ खाली तो नहीं छोड़ोगे, क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी डिस्प्ले और सिटिंग एरिया भी क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, फर्नीचर चाहिए। और जब फर्नीचर आपके पास आएगा तो आपको डिस्प्ले और सेल करने के लिए क्या चाहिए, क्लॉथ। क्लॉथ दैट मीन गुड्स, जिस में आप बिजनेस कर रहे हो, डील कर रहे हो, उसको यहाँ गुड्स कॉल करते हैं। अगर आप प्रोडक्शन के बिजनेस में लगे हो, कुछ क्लोथ को अगर प्रोड्यूस करने में लगे तो आपको क्या चाहिए, मशीन भी चाहिए होगी, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, मोटर व्हीकल। दैट मीन ऐसे सारे रिसोर्सेज जो आपको आपके बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हैं, और एक बार खरीदने के बाद आप उसको रीसेल नहीं करते, उसको उससे अर्न करने की कोशिश करते हो और बिजनेस में लंबे समय तक चलते हैं, इज कॉल्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस की क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। इसीलिए कहा कि एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइजेज यूजफुल इट्स ऑपरेशन, जो उसके ऑपरेशन दैट मीन्स सेल परचेज करने में, अर्न करने में हेल्प करती हैं, इज कॉल्ड एसेट्स। वो बिजनेस की क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं, संपत्ति कहलाती हैं। नेक्स्ट वन आती है पॉइंट,
क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स. डियर, एसेट्स मेजर टू टाइप से क्लासिफाई की गई है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच हेल्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड यूज फॉर द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन. मतलब बहुत सारी एसेट हैं जो बिजनेस में लंबे समय तक चलेंगी, या कह सकते हैं दोज एसेट विच वर इंटेंडेड टू यूज इन द बिजनेस लॉन्ग रन. जो बिजनेस में क्या चलने वाली हैं, लंबे समय तक चलने वाली हैं, इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स. लाइक एज लैंड, बिल्डिंग, एक बार खरीदने के बाद दोबारा नहीं, कई वर्षों तक दोबारा नहीं खरीदते. मशीन, प्लांट, फर्नीचर, फिक्स्चर, फिक्स्चर लाइक एज फैन, एसी, इट्स अ पार्ट ऑफ फिक्स्चर. घर पे भी आप अगर इनको लाते हो तो कई साल आपको देखने की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि जब हम इनको खरीदते हैं तो इसलिए नहीं खरीदते कि हम इसको दूसरे दिन सेल कर देंगे या कैश में कन्वर्ट कर लेंगे. हम इससे अदर अर्निंग करने में या लंबे समय के लिए खरीदते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन करंट एसेट्स. पहले इसको फिक्स्ड एसेट्स के रूप में भी डिफाइन किया जाता था या कॉल किया जाता था. अदर वे में भी कहा जाता है कि नॉन करंट एसेट्स आर यूज्ड फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन एंड हेल्ड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस. जिनका यूज बिजनेस में नॉर्मल अर्न करने के लिए और बिजनेस में लंबे समय के लिए रहती हैं इज कॉल्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस. उनको बिजनेस की क्या बोला जाएगा, एसेट्स बोला जाएगा. नेक्स्ट वन, नॉन करंट एसेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट. मतलब जो ये एसेट्स हैं बेटा, है सभी एसेट्स का पार्टी, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा विस्तृत रूप से संक्षेप में कॉल करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि ये किस तरह की एसेट्स है. टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स. आते हैं टेंजिबल एसेट्स के ऊपर. टेंजिबल एसेट्स क्या हैं? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड. मतलब जिसका एक भौतिक अस्तित्व है, एंड कैन बी सीन एंड टच, जिसको आप देख या छू सकते हो. दोज एसेट विच वर फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जिसको आपको द्वारा छुआ जा सकता है. बिल्डिंग को आप छू सकते हो, फर्नीचर, सोफा सेट पड़ा है, मशीन पड़ी है, आप उसको क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो. इट्स कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स. इनको हम क्या बोलेंगे, मूर्त एसेट्स. संपत्तियों के नाम से संपत्ति हिंदी के अंदर बोला जाता है मूर्त. इट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, इट ओनली फेल्ट. जिसको आप देख या छू नहीं सकते, सिर्फ एक महसूस कर सकते हो. इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट. इन अदर वर्ड, इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी फेल्ट बाय ऑपरेशन. सिर्फ आप अपनी एक्टिविटी के दौरान, सेल परचेज के दौरान उसको महसूस कर सकते हो, उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है. इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट. अमूर्त संपत्तियां बोला जाता है इनटेंजिबल एसेट. फॉर एग्जाम्पल डियर, आज अगर मैंने आपको चॉकलेट खाने के ऑप्शन दिए, भी आप सबसे पहले कौन सी चॉकलेट को प्रेफर करोगे विद कंपनी नेम बताना. दैट मीन आई थिंक आप प्रेफर करना चाहोगे, सर डेरी मिल्क कैडबरी की चॉकलेट. मैं कहूँ डेरी मिल्क मेरे पास नहीं है, तो आप सेकेंड ऑप्शन पे आइए. आप सेकेंड ऑप्शन सर किट कैट. मैं कहूँ किट कैट भी नहीं है. आप थर्ड ऑप्शन, दैट मीन नेस्ले पे पहुँच गए. आप थर्ड ऑप्शन पे आए, थर्ड ऑप्शन में आपने कहा सर फाइव स्टार से ही काम चला लेंगे, फाइव स्टार दे दीजिए. मैं कहूँ फाइव स्टार भी नहीं है. आप उससे नेक्स्ट ऑप्शन पे चले गए, पार्ल की कोई चॉकलेट सर दे दो फिर. मैं कहूँ वो भी नहीं है, तो आप उससे नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाओगे, सर कोई लोकल मेड ही खिला दो, होम मेड ही चॉकलेट खिला दो. आपने एक प्रेफरेंस दी किसको, आपने सबसे पहले कैडबरी को, दैट मीन डेरी मिल्क को.
आपने एक सीरीज क्रिएट कर दी, नेक्स्ट आपने नेस्ले को, फिर पर्ल को, फिर होममेड को, आपने एक से दूसरे को आगे रखा। अब जिस जो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से आगे जा रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा रहा है, वो किस वजह से कमा रहा है? उसकी क्वालिटी और उसकी रेपुटेशन के कारण। अब वो रेपुटेशन क्या कहलाती है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। वो बिजनेस की क्या कहलाती है? गुडविल। गुडविल मतलब समझ आ गई होगी कि अब आप उसको क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, फेल्ट कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, राइट? तो उस लेकिन वो एक बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट अर्न करने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। और उसकी भी एक मॉनिटरी टर्म है, मॉनिटरी वैल्यूज होती हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे ही इसके अदर एग्जांपल्स हो जाते हैं बेटा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन 1 ईयर। जो एक बिजनेस में थोड़े समय के लिए रहती है, या कह सकते हो कि उसको एक साल में कैश में बदला जा सकता है या बदल जाती हैं, इज कॉल्ड करंट एसेट्स। अब कैश तो कैश फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन पोजीशन उसकी बदल जाती है। मॉर्निंग में आपके पेरेंट्स आपको 100 रुपीज़ पॉकेट मनी दी, इवनिंग तक उसकी पोजीशन पॉकेट मनी की क्या हो जाएगी? बदल जाएगी ना। आते आते आप लोग उसमें से कुछ हीटेबल गुड्स परचेज कर लेंगे, तो आपके पॉकेट मनी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बैंक बैलेंस, आप उसको क्विकली कैश में बदल सकते हो। डेटर, ओवे सम अमाउंट टू द बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस को कुछ अमाउंट देना है, इज कॉल्ड डेटर। स्टॉक, अनयूज गुड्स या अनसोल्ड गुड्स ऑफ द बिजनेस, जो गुड्स बिजनेस की अभी सेल नहीं हुई लेकिन नियर फ्यूचर में क्या हो जाएंगी? कैश में बदल जाएंगी। आप ऐसा तो नहीं कि उनको संभाल के रखोगे, तो इज कॉल्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस की क्या है? एसेट्स हैं, लेकिन वो किस तरह की एसेट कहलाएंगी? करंट एसेट्स, राइट? थैंक यू।